Hello, my dear students. Today, in this video, we are going to solve the question answers of the chapter why It is a poem of class 4 English NCRT. Okay. This poem we have already done in the previous videos. The explanation I have already explained this poem. Now, in this video, we will do the question answers of this poem. So, the first question is Name a few things that sing. मतलब आपको ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो कि पानी में सिंक हो जाती है मतलब डूब जाती है फॉर एग्जाम्पल इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो जैसे स्टोन हो गया मार्बल हो गया लेड हो गया लेड एक तरह का मेटल होता है ये मैंने बताया था आपको वीडियो में और भी आप काफी चीजें लिख सकते हैं इसमें ठीक है ना आयरन हो गया जो चीजें पानी में डूब जाती हैं लिस्ट थ्री क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क इसमें आपको वो तीन क्वेश्चन बताने हैं जो कि लिटिल बॉय इस कोयम में पूछता है फॉर एग्जाम्पल वाय वु वाई वुड वुड स्विम वाय वी ईट एंड ड्रिंक ये भी उसने क्वेश्चन पूछा है और वाय द वाय द सन सेट बिहाइंड हिल्स ओके लाइक दिस आई हैव मेड थ्री क्वेश्चन और यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन क्वेश्चन दैट वॉज आस्क इन दी पोएम बाई द स्टूडेंट वाई वुड शुड स्विम वाई वुड स्विम वाई वी ईट एंड ड्रिंक वाई द सनसेट बिहाइंड द हिल्स ओके सो दीज आर द्री क्वेश्चन नेक्स्ट इज वॉट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोयम इस पोयम में उस बच्चे को किस तरीके का बताया गया है दुखी बताया गया है सैड क्यूरियस बताया गया है ईगर टू आस क्वेश्चन या ब्रेव बताया गया है तो इस चैप्टर में उस बच्चे को क्यूरियस बताया गया है इज ए क्यूरियस बॉय ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लेट्स स्टॉप राम इज ए क्यूरियस लिटिल बॉय हीस आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन लाइक एक बार की बात है राम एक छोटा क्यूरियस मतलब जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पूछने के लिए छुक रहता है ही ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन वन डे ही केम होम एक दिन वो अपने घर आता है और अपने दादाजी से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है पहला क्वेश्चन है वाई कैंट बी लुक एट दन ड्यूरिंग अक्लिप्स जब सोलर एक्लिप्स आता है तो हम सन को क्यों नहीं देखते हैं वाई कांट वी टच द सन हम सन को क्यों नहीं छू सकते हैं वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क और हम जब शाम हो जाती है रात हो जाती है तो बाहर जाके क्यों नहीं खेलते हैं तो दीज आर सम क्वेश्चन दैट दैट बॉय राम वॉन्ट्स आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम हिज ग्रांड फादर तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए और इनके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ठीक है आंसर वर्ड बिल्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम दोयम विच राइम विदर्ड वर्ड्स इन देंटेंसेज यहां पर आपको ये कुछ कलर्ड वर्ड्स दे रखे इनके राइमिंग वर्ड्स यहां लिखने जैसे वाई इज द स्काई why is the sky so high do you know the color of what color of snow do you know the color of snow rhyming. have you found who made the sound okay sound is the rhyming word put the glass in the sink after you finish your what drink

स्विम एस डब्ल्यू आई एम ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज इज अ गुड एक्सरसाइज यहां पर बनेगा लेड -E D, जो कि हमारे पोयम में भी डिस्कस हुआ है लेड एक मेटल होता है मैंने बताया लेड इज हैवी मेटल ठीक है ये है मार्बल यहां लिख सकते हैं मार्बल सिंक इन वाटर मार्बल सिंक इन वॉटर और ये है हिल्स तो आप लिख सकते हैं सन सन सेट सेट्स बिहाइंड द हेल्स सो हेयर आर दी सेंटेंसेस व्हिच आई हैव मेड फॉर यू आप अपनी तरफ से भी अपने uh, विश के अपने चॉइस के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इट इज अप टू यू यू कैन दीज आर जस्ट फॉर दी रेफरेंस आप इनके से एक आइडिया ले सकते हैं बट अपने सेंटेंसेस आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे ओके okay. सो so, इस वीडियो में इतना ही इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ वंडरफुल डे बाय बाय